परेशानी, क्या परेशानी? अभी हम जो मेट्रो से क्या परेशानी आ रहे थे तो हमको वहाँ पे गाड़ी रुकवाए, गाड़ी रुकवा के और हम बोले कि थोड़ा सा बात कर लीजिए, तो मेरे पे हाथ चलाइए वहाँ से श्रीमान, ये जो है इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया अभी और चला, ज्यादा बेहुदा इसमें नहीं बात कीजिए, हम मेरे पे हाथ उठाया इन्होंने। क्यों क्यों, किस वजह से, रीजन? हम आप इधर, हाँ इधर देखिए, बोलिए। सुनिए ना, मेरा भी छोटा भाई प्रभारी है, इनको परिचय दे रहे हैं कि थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए, हम ऑर्डर लिए हैं जोमेटो का, जा रहे हैं खाना पहुंचाने के लिए, हम थोड़ा सा उधर से चले जबकि खाली था, हम परिचय दे रहे हैं कि देखिए हमको फर लेके जाना है वहाँ पर ऑर्डर देने के लिए, ये महाशय ने मोबाइल छीन लिया और ऊपर से हाथ चलाया। आप आईडी इनको दिखाए थे जोमेटो वाला, मतलब आपके किस वजह से रोके थे ये नहीं पता। हम वहाँ से गाड़ी लेके चला है इधर, इसके वजह से अब हम बोल रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने हाथ। हाँ, देखिए झूठ मूठ के चलान उलान, आज जबकि डीएल वोल कुल चीज मेरे पास है। किस चीज का चलान, किस चीज का पता नहीं, किस चीज का काटे हैं, रंगदारी जबरदस्ती। क्या सर किस बात का? अरे वो रॉन्ग साइड में से आए हैं, उनको रोका गया, चलान काट के दे दिए तो बेचैन हो गए, इसलिए उनका बेचैनी सवार भेल है। रॉन्ग साइड में रॉन्ग, हाँ हाँ हाँ, रॉन्ग साइड का चलान काटा। कितना चलान सर? 2000 का। 2000 रॉन्ग वे में चलाने का चलान? 2000 नहीं है, 5000, लेकिन 2000 का काटे हैं। देश का अवहेलना लगाया जाता है ताकि ज्यादा ना हो, बाइक से है इसलिए 2000 का इनका चलान कटा है। वही कट रहा है, उसी में लगे हाथ नहीं उठाए, मोबाइल से वीडियो बना नहीं, तब मोबाइल क्या है कि हम बात नहीं है कि हाथ उठाया गया तो जब चलान कटा तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, हम चलान दिए बस ही लगे बकर चोटी करने। बहुत अच्छा बात है, जान समझे ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी है। मैडम जबरदस्ती रंगदारी कर रहे हैं आपको, सही हम बोल रहे हैं मैम, एक दिन का बात मेरा नहीं है, देखिए जोमेटो का मेरा बैग लगा हुआ है, 2 घंटा लगता है डेली, जबरदस्ती घर से देते हैं ये सब। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे प्रशासन मौजूद हैं और कुछ लोग भी मौजूद हैं, आम पब्लिक, एक पब्लिक है जिनका कहना है कि ये जोमेटो का काम करते थे बस ये रॉन्ग वे में आ गए, रॉन्ग वे में आने के कारण इनका इनका चलान काटा गया, और ये भी बता रहे हैं कि इनके साथ बदसलूकी की गई है, अभी भी वो बहुत परेशान लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी ओर देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं जो अभी भी मौजूद हैं, यहाँ पे चलान काटा जा रहा है और ये बिना माने रंगदारी जबरदस्ती, हमने वहाँ से चल आया जबकि खाली था रोड, ऐसा कुछ भी नहीं था, और आए बोल रहे हैं कि हमको लेके जा रहे हैं ऑर्डर पहुँचाने के लिए, और वहाँ पे पकड़ बोले कि थोड़ा सा बात कराइए, तो हम बोले कि लीजिए बात कर लीजिए, हम वहाँ से ऐसे आए, वहाँ से हम ऐसे चले आए। इनका कहना है कि ये अभी जोमेटो की डिलीवरी लेकर जा रहे थे और इनका चलान किया गया, और पुलिस का दूसरी तरफ कहना है हाथ उठाए, नाजायज हाथ उठाए मेरे पे, जी मेरे पे हाथ उठाया इन्होंने, हमने बोला कि क्या बात है, थोड़ा सा ढंग से बात कर लीजिए, तो अपने बाप के बात कराओगे, ये लैंग्वेज ये बोल रहे हैं श्रीमान। जैसा कि आप सुन सकते हैं इनका कहना है कि इनके साथ कहीं ना कहीं बदतमीजी की गई है, ऐसा इन्हों ये बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाथ उठाया गया है, तो सर ये अभी भी यही बात बोल रहे हैं कि बोलने दिया वो जबरदस्ती उनको हम मारपीट, सर जब चलान किया गया तो मारपीट तो नहीं होनी चाहिए, सवाल है ना, ये इतना आदमी है तो कहाँ हुआ मारपीट किसी से, पूछिए तो ये लोग से कुछ बातचीत में डेढ़ है सर, और उस समय यहाँ पे आप लोग मौजूद थे जब वो रोका गया था? हम लोग से गलती हो गया, हम क्या कहें, हम झूठ नहीं बोला, मौजूद थे जब आप यहाँ पे आए थे? सब लोग था, ये भी थे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि नहीं उठाए हैं हाथ, और भी दो तीन लोग था, लोग चला गया, अब ये रोड पे कौन रहेगा, हम ये पहला देखिए इसमें खाना है जोमेटो में काम कर रहे जी जी मैम, जो मतलब ये लॉकडाउन के वजह से काम छूट गया तो आदमी किसी तरफ से अपना सोच रहा है कि रोजी रोटी चले। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इनका काम छूट गया था, जिसकी वजह से इन्हें मजबूरन बस जोमेटो में काम करना पड़ा, और ये अभी जोमेटो में कार्यरत भी हैं, और अभी ये यहाँ से बता रहे हैं कि सिर्फ इन्होंने ये भूल की थी कि ये रॉन्ग साइड आ गए थे जिसकी वजह से इनका चलान किया गया, और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि इन लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की और
थप्पड़ भी चलाया, ऐसा इनका कहना है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन जो है अपने बातों से मुकर रही है, उनका कहना है कि नहीं, उनका कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया गया, इनके साथ सिर्फ चलान किया गया है। वैसे तो उस समय जिस समय ये वारदात हुई थी हम यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन अभी की जानकारी मैं आपको इतना ही दे सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं इसके साथ कहना चाहूँगी कि कहीं भी अगर कोई भी प्रकार की वारदात होती है तो ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से गलत है। अगर चलान किया जाता वो अपनी जगह सही है, क्योंकि प्रशासन का इनका ये जिम्मेवारी है, इनका ये काम है कि कोई भी अगर गलत करें, कभी भी कोई गलत करे तो उन्हें चलान किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी ओर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर किसी के साथ अगर किसी के साथ कुछ किया जाता है, मारपीट या किसी भी तरह के बदतमीजी, तो यह सरासर गलत है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जैसा कि उस भाई साहब वो व्यक्ति ने बताया है। बाकी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।